के समय अपने आप को आराधना के लिए तैयार करें. लेट्स प्रिपेयर आवर हार्ट्स फॉर वर्शिप. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. Father, we come in your presence, O Lord. We thank you for this blessed time, O Lord, that you have given to us, O Lord. Lord, we beseech your presence, O Lord, and we pray that help us to understand your word, O Lord Jesus. Help us to understand your spirit, O Lord. Help us to understand your will in our lives, O Lord Jesus. Lord, we submit ourselves in your mighty hand, O Lord Jesus, Father. Father, we pray. Lord, entire session, O Lord, let your Holy Spirit take complete control, O Lord. We give you all glory, honor, and praise in the name of Jesus. We do this prayer. Amen. आपके हाथ की रचना है परमेश्वर पिता. थैंक यू जीसस. हम है तेरे हाथों की रचना. हम पर है तेरी करुणा. तन मन धन हमारा तेरा है. इन शैतान कुछ प्राण प्रिय यीशु रा
महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई भी तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगी मैं उम्र भर, मैं हाथ उठा कर गाऊंगी यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठा कर गाऊंगी यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Lord, we worship your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, क्योंकि आपका नाम महिमा आदर के योग्य है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, कुछ ना किया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्यारा प्रभु शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। इसलिए प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास
वो जीवित है सदा, वो जीवित है जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह वो जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा सबसे महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, dhanyavad raja, hallelujah, thank you jesus, hallelujah, dhanyavad, dhanyavad parmeshwar, dhanyavad raja, hallelujah, dhanyavad, 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 dhanyavad parmeshwar, thank you lord, prabhu hum aapko dhanyavad dete prabhu ji, in geeton ko gaane mein, is aaradhna mein aapne hamari madad ki prabhu ji, jab aage hum vachan mein jaate, vachan ke dwara aapki aaradhna karte prabhu ji, aapka prabhu ji मन प्रभु जी, आपकी आत्मा प्रभु जी हम समझने पाए प्रभु जी, आपके वचन को समझने में हमारी सहायता मदद करना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। अब सभी लोगों को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम लोग सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन हमारे लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए दीपक है। मेरे प्रियो, हमारे मार्ग के लिए वो उजाला है। जब भी हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें रोशनी प्रदान करता है। इसलिए आज हम सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम सब निकालेंगे आज के मनन के लिए लूका की किताब, उसका नवा अध्याय, लूका की किताब उसका नवा अध्याय, उसका 57 से लेकर 62 वचन तक, लूका 9 चैप्टर वर्सेस 57 to 62। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने उसे पढ़ूंगी।
जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने जो परमेश्वर का वचन पढ़ा, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ एक मार्ग पर निकले हैं, यरूशलेम में जाने के लिए उस मार्ग पर निकले हुए हैं। और जब वो रास्ते में जाते हैं, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वचन में 57 में कि जब वे मार्ग में जा रहे थे तब ऐसा हुआ कि किसी ने उससे कहा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है और आने के बाद यीशु मसीह से कुछ खुद बोल रहा है, अपनी खुद की एक डिजायर को वहां पर एक व्यक्ति जो है वो प्रकट कर रहा है। और वो डिजायर क्या है, इस व्यक्ति का नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, ये अननोन व्यक्ति है, हम नहीं जानते ये कौन है क्योंकि लूका जो है उसका नाम नहीं बता रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं, बस यहाँ पर लूका एक बात को बता रहा है कि सेल्फ विलिंगली, खुद की इच्छा से वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। उसकी एक इच्छा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, और यीशु मसीह के पास वो आकर के कहता है, क्या कह रहा है कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। आई विल फॉलो यू वेर एवर यू गो। प्रभु यीशु मसीह, जहां कहीं भी आप जाओगे मैं आपके पीछे क्या करूंगा, चलूंगा। यहां पर ये व्यक्ति कह रहा है, कितनी अद्भुत बात है। उसकी इच्छा भी अच्छी है कि वो जहां प्रभु यीशु मसीह जाना चाहते वहां पे जा रहा है। सेल्फ, किसी ने उसे बोला नहीं है और इवन प्रभु यीशु मसीह ने भी उसे बुलाया नहीं, लेकिन वो खुद की इच्छा से कह रहा है कि यीशु मसीह, जीसस, आई वॉन्ट टू फॉलो यू, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। एक खुद के डिजायर को वहां पर दिखा रहे। लेकिन वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह उसको कुछ बोलते हैं। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। यहां पर खुद अपने मन की इच्छा को जब वो यीशु मसीह के पीछे सामने रख रहा है, तब यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, उसको बता रहे हैं अपनी सिचुएशन, यीशु मसीह बता रहे हैं। हम सब जानते हैं फिलिप्पियों उसके दूसरे अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने आप को दास के स्वरूप में धारण किया। फिलिप्पियों उसके 2:7 में लिखा है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर होने के बाद भी वो मनुष्य होकर के आया इस पृथ्वी पर और दास का स्वरूप धारण किया, इतना अपने आप को दीन और नम्र किया। मेरे प्रियो, उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि आकाश के पक्षियों के क्या होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, वो घोंसला बनाते हैं, लोमड़ियां जो है उनके भट्ट होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र, यहां पर यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य के पुत्र के रूप में बता रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र को सर धरने के लिए भी जगह नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह उस व्यक्ति को कई बातों को क्लियर कर रहे हैं। ओके, तू मेरे पीछे आना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन तू जान ले मेरी परिस्थिति कैसी है, क्योंकि यीशु मसीह उसे सब कुछ क्लैरिफाई करके बोल रहे हैं कि तू ये मत सोच के मेरे पीछे आना कि तू मेरे पीछे आएगा तो तुझे बहुत कुछ मिलेगा, तुझे धन मिलेगा, तुझे दौलत मिलेगा, या तुझे रहने के लिए बहुत बड़ा महल मिलेगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह उसे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है ओके, पर मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे लिए एक सर धरने के लिए भी जगह नहीं है। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, जब वो इस पृथ्वी पर आया उसने अपने आप को ऐसा दीन कर दिया कि उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास। और यीशु मसीह उसे क्लैरिफाई कर रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन में से इसी अध्याय में, जब 9वें अध्याय में 23 और 25 वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, क्या लिखा है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले।
यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, अगर आप इस 23 से लेकर 27 तक का जो वचन है उसे पूरा पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है यीशु मसीह स्वयं समझा रहे थे। वहां पर स्वयं इस चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि क्या है मेरे पीछे चलने का अर्थ। अगर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो पहला प्रभु यीशु मसीह बोल रहे से नो टू योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करो, अपने आप का इनकार करो, अपने आप की डिजायर्स का इनकार करो, शायद जो सही नहीं है, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है। अपनी उन इच्छाओं को ना कहो जो परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। प्रभु का पहला वचन था यहां पर, अपने आप का इनकार कर और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो करके यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी क्यों ना हो, जो कुछ परेशानी क्यों ना हो, तुम उसको लेकर के मेरे पीछे हो लो, यीशु मसीह ने लिखा है। और 25वें वचन में हमने पढ़ा कि अगर एक मनुष्य सब कुछ पाले अपने पास, उसके पास अगर सब कुछ है, धन है, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसका प्राण, उसकी आत्मा को अगर वो खो दे, अगर उसकी आत्मा की हानि हो जाए तो उसको क्या लाभ हुआ। क्योंकि जो कुछ भी उसने कमाया है वो एक दिन उसके साथ खत्म हो जाएगा, वो कुछ भी अपने साथ ले जा नहीं पाएगा, लेकिन उसकी आत्मा जो है, अगर उसने उसको इस जीवन में रहते हुए अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करा, अगर अपनी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं देखा, तो उसका मरने के बाद उसकी आत्मा जो है वो नरक में जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर आगे इसी अध्याय में, जब ये व्यक्ति खुद आता है यीशु मसीह के पास और कहता है कि मैं अपनी इच्छा से आपके पीछे चलना चाहता हूं, यीशु मसीह उसे सब कुछ क्लैरिफाई कर देते हैं। कई लोगों को लगता है कि यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन शायद ऐसा सबके जीवन में जरूरी ना हो। परमेश्वर सबको अनुग्रह करता है, परमेश्वर को मालूम है उसे किसको किस तरीके से आशीषित करना चाहिए। मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं हमसे कि तुम्हारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अगर तुम खुद मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे चलो। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर यह कहता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के तुम मेरे पीछे चलना। ये सोच के मत चलना कि मेरे साथ चलने से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है इसके पास कोई कंडीशन नहीं है यीशु मसीह के पास आने के लिए, कोई बहाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस स्वयं अपनी इच्छा। इसकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी थी कि वो प्रभु से खुद आकर के कहता है, और प्रभु यीशु मसीह भी इसके सामने सारी चीजों को रखते हैं। हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम जाएंगे 9:59 में। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले, और उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। अब जो 59th वचन है ये ऊपर वाले वचन से एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पर यीशु मसीह स्वयं अब एक दूसरे व्यक्ति से बोल रहे हैं। यहां पर भी दूसरे व्यक्ति का भी नाम नहीं दिया गया है कि उसका नाम क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन यीशु मसीह खुद एक व्यक्ति से आग्रह कर रहे हैं। क्या आग्रह कर रहे हैं? कि मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, मेरे पीछे हो ले। अगर ये वचन आप ध्यान से सुन रहे तो आपको लूका की किताब उसके 5वें अध्याय में जो लिखा है वो बहुत ही अच्छे से याद आ जाएगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ कहते हैं। लूका 5:27। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को जो उस चौकी पर बैठा था उसे कहा, मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, यहाँ पर लेवी नाम का जो एक व्यक्ति था जो टैक्स कलेक्ट करता था, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उससे कहते हैं मेरे पीछे हो ले। और सेम सेंटेंस को, सेम स्टेटमेंट को यहाँ पर हम इस अननोन व्यक्ति के लिए देखते हैं। लूका 5 में नाम दिया गया है यीशु मसीह किसको बुला रहे हैं, लेकिन लूका 9 जो है वहां पर नाम नहीं दिया गया कि यीशु मसीह किस व्यक्ति से कह रहे हैं मेरे पीछे हो ले। लेकिन यहां पर जब हम लूका 5 में देखते, लेवी तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिया, सब कुछ उसने छोड़ा और यीशु मसीह ने जैसे ही बुलाया यीशु मसीह के पीछे वो हो लिया। उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था कि प्रभु मैं अभी आ नहीं सकता। लेकिन यहां पर हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिसको यीशु मसीह स्वयं बुला रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उसके पास एक एक्सक्यूज है। और क्या एक्सक्यूज है देखिए जरा, हे प्रभु,
मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। कितना अजीब सा स्टेटमेंट है, सोचो। ये आदमी जिससे यीशु मसीह कह रहा है मेरे पीछे हो ले, यीशु मसीह से वो कह रहा है मुझे पहले जाने दीजिए आप, मेरे पास एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है, मुझे अपने पिता को गाड़ना है जाकर के। थोड़ा ध्यान से सोचिए आप, अगर इसके पिता मर गए हैं तो इसे इस ग्रुप में होने की क्या जरूरत थी? इसको तो अभी अपने पिता का फ्यूनरल सर्विस करवाने की जगह में होना था। मान लीजिए अगर हमारे घर पे किसी की डेथ हो जाए या कुछ हो जाए तो हम कहां पर होंगे? हम किसी एक ऐसे ग्रुप में नहीं होंगे, किसी एक ऐसे झुंड में नहीं होंगे जो रास्ते में जा रहा है और हम उधर वहां पे बातों को सुन रहे, नहीं। हम हड़बड़ी में होंगे और हम शायद अपने घर पे होंगे जहां पर डेथ हुआ है। लेकिन यहां पर ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह से कह रहा है मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। मुझे नहीं मालूम क्या इसके पिता जो थे अंतिम समय में थे, मरने वाले थे, क्या एकदम ऐसी हालत में थे, क्या वो मरने वाले हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन यहां पर इसका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सोचने वाला है, हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। और यीशु मसीह इसको एक आंसर देते हैं, बहुत ही अच्छा है वो आंसर, कि यीशु मसीह ने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी एक ऐसा ही आंसर दे रहे हैं। यीशु मसीह उसे कह रहे हैं मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे। अब क्या आपने कभी भी अपने लाइफ में देखा है मरे हुओं को डेड बॉडी ले जाते हुए, मरे हुओं को मुर्दे गाड़ते हुए आपने कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा और आपने भी शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति जो रहता है वो एकदम डेड सिचुएशन में पड़ा रहता है। वो हिल नहीं सकता, वो कहीं जा नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ उठा भी नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह यहां कह रहे हैं मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। इसका अर्थ क्या है? प्रभु एक स्पिरिचुअल लेसन को हमें सिखा रहे हैं। यहां पर मुर्दे उन लोगों को कहा जा रहा है जो देखने में जीवित है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से वो मरे हुए हैं। उनकी आंखें हैं परंतु वो आत्मिक सच्चाई को देख नहीं पा रहे, उनके कान हैं लेकिन वो आत्मिक सच्चाई को सुन नहीं पा रहे, उनके मुंह हैं पर वो आत्मिक बातों को बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक रीति से मरे हुए इंसान हैं। और यीशु मसीह वहां उससे कह रहे हैं तू मेरे सामने एक कंडीशन को रख रहा है, लेकिन मैं भी तुझे बता देना चाहता हूं कि जो मुर्दे गाड़ने वाले लोग हैं जो वहां जा रहे होंगे वो सच में मरे हुए हैं, लेकिन अगर तू जीवित रहना चाहता है, अगर तू जिंदा कहलाना चाहता है तो आगे यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक नया कमांडमेंट उसके पास यीशु मसीह दे रहे हैं, तुझे वो वर्क नहीं करना है लेकिन तुझे एक नया वर्क करना है, और वो ये है तू जाकर मेरे बारे में प्रचार कर, तू जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर। तूने अभी तक मेरे पास खड़े होकर के बहुत देर बातों को सुना, जब यहां पर सब लोग थे तू इस जगह पर खड़े होकर के सुन रहा था, लेकिन अब जब मैं तुझसे कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे मेरे पीछे आ ले हो ले, तब तेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। लेकिन मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं तुझे एक आज्ञा दे रहा हूं कि तू जाकर मेरे राज्य का प्रचार कर। मेरे प्रियो, कितना ही डिफरेंस है। पहला वाला जो हमने व्यक्ति के बारे में देखा, वो पहला वाला व्यक्ति जो था वो खुद की इच्छा से यीशु मसीह के पास आकर के बोल रहा था मुझे आपके पीछे चलना है, लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है ये खुद नहीं आया लेकिन यीशु मसीह खुद उसके पास जाकर के उसको एक इन्विटेशन दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने के लिए। मेरे प्रियो, हम भी इस लिस्ट में आ सकते हैं, या तो हम ऊपर वाली लिस्ट में आ सकते हैं जहां पर हम स्वयं अपनी ही इच्छा से प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। लेकिन दूसरे तरफ हम इस व्यक्ति की कैटेगरी में भी शायद आ सकते हैं जिसको यीशु मसीह बुला रहा है लेकिन इसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, इसके पास इसके घर के बहुत सारे बर्डन्स हैं, घर की बहुत सारी चिंता है, लेकिन यीशु मसीह इससे लास्ट में एक वचन को बोल करके समाप्त करते हैं कि तू मेरे राज्य का वचन तू सबको सुना। हमने पहले वचन पहले आदमी को देखा, दूसरे आदमी को देखा, अब हम तीसरे आदमी को देखेंगे। किस 61 वचन 61, एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं।
अब यहाँ पर तीसरा व्यक्ति, देखो कितनी अद्भुत बात है, लूका यहाँ पर तीनों लोगों को एक साथ फ्रेम कर रहा है, एक साथ इसकी बातों को कह रहा है। तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो यहाँ पर यीशु मसीह उसे बुलाने नहीं गए हैं, वो भी खुद ही अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है, लेकिन उसके पास एक कंडीशन है कि यीशु मसीह के पास वो आकर के क्या कह रहा है कि यीशु मसीह मैं भी क्या है आपके पीछे हो लूंगा, मैं भी आपके पीछे आने चाहिए, पर बट, ये जो बट शब्द है ना वो सब कुछ बदल देता है। बट यहां पर यीशु मसीह के पास खुद की इच्छा से आ रहा है, इसका भी नाम नहीं लिखा है, जैसे फर्स्ट और सेकंड व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है कि वो कौन थे, कहाँ के थे, यीशु मसीह के पीछे कैसे चलने लगे, नहीं मालूम। और यहां पर तीसरे व्यक्ति का भी नाम नहीं लिखा है, और वो खुद अपनी इच्छा से कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, लेकिन बट मुझे ना पहले अपने परिवार के लोगों से, अपने घर के लोगों से विदा लेकर के आ जाने दीजिए। मेरे प्रियो देखिए कैसी अद्भुत बात है, यीशु मसीह ने इसको नहीं बुलाया, ये खुद अपनी इच्छा से यीशु मसीह के पास आ रहा है, और जब आ भी रहा है इसके पास एक्सक्यूज है कि आप ना मुझे थोड़ी समय के लिए एक्सक्यूज दीजिए यीशु मसीह, क्योंकि मुझे जाना है, अपने घर वालों को मैं मिल करके वापस आऊंगा। अब देखिए घर वालों से मिलकर के आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक बात को कह रहे हैं, क्या है बात, वो यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रियो यीशु मसीह ने एक स्पिरिचुअल रियलिटी यहां पर दिया है, जो कोई हल पर अपना हाथ रख करके पीछे की ओर मुड़ता है, जो पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यीशु मसीह इससे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब कोई हल को चलाता था, हल को चलाता है तो वो उसकी नजरें जो होती है वो केवल आगे की ओर रहती है, वो पीछे की ओर मुड़ करके नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है मुझे आगे की जब जमीन है, आगे की जो जगह है उसको यहां पर हल चलाना है। वो पीछे की ओर कब देखेगा, आप थोड़ा प्रैक्टिकली इसे हम सोचते हैं, कब वो व्यक्ति पीछे की ओर देखेगा, मान लो उसे कहीं पीछे से आवाज आई, भाई या बहन कहकर आवाज आई तो वो एकदम पीछे से मुड़ेगा। यहां पर इसको कई चीजें थी जो पीछे की ओर मोड़ रही थी, और वो क्या था, वो था उसका परिवार, वो परिवार जो था उसका उसे पीछे की ओर मोड़ने में प्रेरित कर रहा था, उसे आकर्षित कर रहा था। तो यीशु मसीह एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेसन को देखते हैं, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं, मतलब वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है, सबसे पहला। मेरे प्रियो जब आप चेलों की ओर जाओगे, यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, यीशु मसीह ने जब पतरस से कहा, पतरस मछली पकड़ रहा था, जाल धो रहा था, जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, पतरस अपना जाल, अपना मछली, अपना बिजनेस, अपना व्यापार, सब कुछ, पतरस के लिए मछली क्या था, एक व्यापार था, एक बिजनेस था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने को तैयार हो गया था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसके पास एक एक्सक्यूज है, चेलों के समान, बाकी चेलों के समान नहीं, ये कहता मुझे जाने दे। मैं आपको ध्यान को एक और वचन की ओर ले जाना चाहूंगी, आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए पहला राजा की किताब, उसका 19वां अध्याय और उसका 19 और बीच, मैं आपके बीच साथ पढ़ूंगी, आपके बीच में, पहला राजा 19 अध्याय उसका 19 और 20। तब वह वहां से चल दिया और शापात के पुत्र एलीशा उसे मिला और 12 जोड़ी बेल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर के चल हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी, तब वह बेलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा मुझे अपने माता पिता को चूमने दे तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। मेरे प्रियो यहां पर हम देखते हैं कि एलिया जब अपनी सेवा करता है और वो एलिया को बुला रहा है, जैसे यीशु मसीह यहाँ पर फॉलो मी करके यहाँ पे एक व्यक्ति को बोले और बाकी लोग खुद फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पर एलिया जो है एलीशा नाम का जो व्यक्ति था उसके ऊपर अपनी चादर डालता है और चादर डालने के बाद वहां पर
हम देखते हैं वो कहता है कि तुम मेरे पीछे हो लो, लेकिन एलिशा जो है वो यहाँ पर कहता है कि मैं आपके पीछे होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को क्या है, अपने माता पिता को जाकर के एक बार मिल करके आके, एक बार उनको मैं किस करके, उनको प्रेम करके मैं एक बार वापस आता हूँ। और यहाँ पर एलिया जो है, हम आंसर देखते हैं, वो कहते हैं ठीक है तू जा, और हम बाद आगे का जब वचन पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि वो वहां से वापस एलिया के पास आ जाता है। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं है। यीशु मसीह यहां पर इस व्यक्ति से ये नहीं कह रहे कि ठीक है तू जा और जाने के बाद वापस आ जाना, नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर वो है जो एलिया से बड़ा है। यहां पर वो यीशु मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर वो यीशु मसीह है जो हमारे लिए, मानव जाति के लिए अपने आप को शून्य करके इस पृथ्वी पर आ गया। यहां पर यीशु मसीह नहीं बोल रहे कि तू जा करके ठीक है मेरे पीछे आ जा, लेकिन एलिया के लाइफ में और एलिशा के लाइफ में हम देखते हैं एलिशा के पास एक चांस था, क्योंकि यीशु मसीह एलिया से बढ़कर है। यीशु मसीह का प्रचार एलिया के प्रचार से बढ़कर है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह का वचन सुनाना बाकी सारे प्रचार से, बाकी सारी चीजों की प्रायोरिटी से बढ़कर है मेरे प्रियो, बहुत बढ़कर है। क्योंकि यीशु मसीह दूसरे व्यक्ति से क्या कहते हैं, जो कहता है कि मैं जाकर के अपने पिता को गाड़ दूं, उसे यीशु मसीह कहते हैं कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले और मेरे राज्य का प्रचार कर। मतलब यीशु मसीह का प्रचार जो है, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताया जाना जो है, वो हमारे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बढ़कर के है। हमारे परिवार से बढ़कर है, हमारे रिश्तेदारों से बढ़कर है, हमारे फ्रेंड्स से बढ़कर है, हमारे ऑक्यूपेशन से बढ़कर है, सबसे बढ़कर। इसलिए यीशु मसीह एक बात को 9वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अगर अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, आज ये वचन जो हमने पढ़ा है, तीन अलग अलग लोगों को जो हमने देखा है, ये हमारे लाइफ में भी हम कई बातों को इनके द्वारा सीख सकते हैं, कई बातों को इनके जीवन से हम समझ सकते हैं। पहली बात क्या है हम जो समझ सकते हैं, वो ये है कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे सेल्फ विलिंगली, खुद डिजायर करके प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे हैं, अगर हमने समर्पण किया है, तो हमें हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें प्रभु के पीछे अंतिम समय तक चलना है, कभी लौटना नहीं है। दूसरी बात जो हमने सीखी, अगर यीशु मसीह ने हमें कॉल दिया है कि तू मेरे पीछे आला, तुझे मेरे पीछे मेरा सर्व करना है, मेरे प्रियो कोई भी बहाना ना बनाए, कोई भी एक्सक्यूज ना बनाए, क्योंकि अगर आप प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेंगे, आप भी उन आत्मिक रीति से मरे हुए लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे। और यीशु मसीह का प्रचार आपके लिए और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, दूसरों को यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताएं। और तीसरा व्यक्ति जिसके जीवन से हमने क्या सीखा कि तीसरा व्यक्ति भी खुद अपनी इच्छा से यीशु मसीह के पास आ रहा था, लेकिन खुद से ही वो एक कंडीशन रखता है, मुझे जाकर के अपने माता पिता से मिलके आ जाने दे, मुझे अपने परिवार से मिलके आ जाने दे। यीशु मसीह ने परमेश्वर के सारे सुसमाचार में एक बात को कहा कि जो कोई मुझसे बढ़कर अपने माता पिता, माँ प्या भाई बहन से प्यार करे, वो मेरे योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, इसके द्वारा यीशु मसीह हमें ये बता रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे सबसे बड़ा प्यार किया। देखिए, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे रिश्तेदार होंगे, मेरे फ्रेंड्स होंगे, सब हमसे प्यार करते हैं, लेकिन सबके प्यार की एक लिमिट है। लेकिन उन सबके प्यार की लिमिट से बढ़ करके यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, और यीशु मसीह वही प्यार हमसे भी चाहते हैं कि हम भी उनसे उतना ही प्यार करें जितना उन्होंने हमसे प्यार किया। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है और कभी लौटना नहीं है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय पे और परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पित करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु से हम कहें, प्रभु मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं कभी ना लौटूंगा। प्रभु मेरी मदद करिए प्रभु जी, कि मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार आपको करने पाऊं, किसी और से नहीं, किसी इंसान से नहीं,
लेकिन आपसे प्रभु जी। आपने हमसे अपने वचन में कहा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर, और आप हमसे ये चाहते भी हो प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आप चाहते हो कि हर रिश्ते से बढ़कर हम आपसे प्यार करें, और आपकी आज्ञा जो आपने हमें दिया है प्रभु जी वो बाकी सारी आज्ञाओं से बढ़कर है। परमेश्वर पिता हमारी मदद करें प्रभु जी कि हम आपके इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए प्रभु जी। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, टच पाऊंगा टच पाऊंगा अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा मेरे प्रियो। मुझे एक कहानी याद आ रही है। पॉलीकार्प नाम के एक व्यक्ति थे नए नियम में, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बाद जब चेले प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते थे, तब जो पॉलीकार्प थे एक बार उनको पूरी सब लोग से पूछा गया कि तुम क्या यीशु के पीछे चलोगे, क्योंकि सबको मार डाला जाने वाला था, और पॉलीकार्प को भी पूछा गया कि क्या तुम यीशु के पीछे चलना चाहते हो क्योंकि हम तुम्हें मार डालने वाले हैं, और तुम यीशु के बारे में कहो कुछ कि तुम उसके पीछे नहीं चलोगे। तब पॉलीकार्प एक बात को कहते हैं, 86 इयर्स ओल्ड थे वो, कि जिस प्रभु ने जिस यीशु ने 86 साल पहले तक मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कहा किया, उसने कभी उसके जीवन में मेरे लिए कुछ बुरा ना कहा ना किया, तो मैं उसका इनकार कैसे कर सकता हूँ। और इस बात को कहते हुए जो पॉलीकार्प थे उनको वहाँ पर मार डाला गया। ये उनके अंतिम वचन थे। मेरे प्रियो हमारे वचन क्या है? हम अपने जीवन के अंतिम समय तक क्या प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहेंगे? ये एक प्रश्न है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद महान मान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी मदद करिए प्रभु जी कि हम आपके पीछे अपने जीवन के अंतिम समय तक भी चलते रहें। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए प्रभु जी, हम आपको कभी छोड़े नहीं प्रभु जी। हम अपने हाथ को हल पर रख
काटने के बाद कभी पीछे मुड़ के ना देखने पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी जो पीछे मुड़कर देखता है प्रभु जी उसका अंत प्रभु जी अच्छा नहीं होता। जो हम लूत की पत्नी के जीवन से देख सकते हैं, जिसने पीछे मुड़ के देखा और उसका अंत सही नहीं था प्रभु जी, हम आगे की ओर दौड़ते जाएं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है प्रभु जी, हम भी अपने विश्वास की इस दौड़ को पूरा करने पाए। और जब आपका कॉलिंग, आपका इन्विटेशन हमारे पास जब आए प्रभु जी, हम कभी उसका इनकार ना करें, कभी कंडीशंस ना रखें, कभी एक्सक्यूज ना रखें प्रभु जी, लेकिन आप जो हमें कह रहे हैं हम उसे करने पाए प्रभु जी, आपके पीछे चलने पाए प्रभु जी। क्योंकि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अगर अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक की, हम सबकी मदद करिए कि हम आपके पीछे चलने पाए, अंतिम समय तक प्रभु जी आप ही में हम बने रहने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।